स्वागत है आपका भारत वॉइस में। नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कुछ बातें आम लोगों की जुबान पर अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, जैसे मीडिया बिक चुका है, गोदी मीडिया हो गया है, मोदी मीडिया हो गया है, सरकार हर चीज को बेच रही है, सरकारी कंपनियों को बेच रही है। सरकारी कंपनियों को बेचने के पीछे लोगों का अलग तर्क है, लेकिन बहुत सारे सवालों के बीच कुछ लोग आगे बढ़कर ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार को लेकर कई सारी ऐसी बातें कही जाती है, क्या आने वाले दिनों में सच में एक बड़ा बदलाव जो होने वाला है वो ये कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो रिजर्वेशन इस वक्त 50% तक मिल रहा है वो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने ये पूरा प्लान बना लिया है कि सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, सरकारी कंपनियों के ज़्यादातर हिस्सेदारी को बेचा जा रहा है, निजी कंपनियों के हाथों में सरकारी कंपनियां जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आरक्षण का क्या होगा? क्या जो लोग इस वक्त आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं उन लोगों को वो रिजर्वेशन मिल पाएगा? साल 2020-21 में सरकार ने 2,10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था सरकारी कंपनियों को बेचकर पैसा जुटाने का। हालांकि वो लक्ष्य सरकार का पूरा नहीं हो सका, उसके बाद उसको घटाया गया और घटाया गया, लेकिन वो भी लक्ष्य सरकार नहीं पा सकी। अब 2021-22 में सरकार ने एक नया लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2021-22 में सरकारी कंपनियों को बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब इसमें सरकार कितना कामयाब हो पाती है ये अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार ने ये मन बना लिया है, ये फैसला कर लिया है कि सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा। तो फिर आरक्षण का क्या होगा? लगभग 300 सरकारी कंपनियां बिकेंगी और 2 दर्जन के करीब सरकारी कंपनियां बचेंगी। SC ST और OBC को मिलने वाले उन आरक्षण का क्या होगा जिसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं? मोदी सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों को बेचने जा रही है। 23 कंपनियों को इस साल बेचने की मंजूरी भी दे जा चुकी है। 2019 के पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक भारत में 348 सरकारी कंपनियां हैं। नीति आयोग ऐसी कंपनियों की लिस्ट बना रहा है जिन्हें बेचा जाना है। इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि कंपनियां बिकते बिकते बहुत ही सिमट जाएगी, कम बचेंगी, और उसके बाद लगभग 2 दर्जन ही कंपनियां बचेंगी, बाकी सारी कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने पर क्या आरक्षण का फायदा मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल उन लोगों के लिए बेहद गंभीर है कि क्या आने वाले दिनों में आरक्षण खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जिस तरह से सरकार योजना बना रही है, अगर सच में उसी तरीके से विनिवेश होता है, सरकारी कंपनियां बिक जाती हैं, तो फिर आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण का फायदा मिल पाएगा? ऐसा होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC है, अनुसूचित जाति है SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के उन युवाओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है जिन्होंने सरकारी नौकरियों में अब तक 49.5% तक का आरक्षण हासिल किया और उसके बाद वो इसको लेने में कामयाब रहे। देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेल कंपनी है भारत पेट्रोलियम, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, मोदी सरकार BPCL की 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। यहाँ 1 जनवरी 2019 तक 11,894 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें पिछड़ा वर्ग के 2,042, अनुसूचित जाति के 1,921 और 743 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे। इनमें 90% से ज़्यादा भर्तियाँ आरक्षण के तहत हुई थी। प्राइवेटाइजेशन के बाद वहाँ की 4,000 से ज़्यादा आरक्षित भर्तियों को भी खुली भर्ती में भरा जाएगा। तो ये एक उदाहरण है। इस तरीके से समझा जा सकता है कि सरकारी कंपनियां जब बिकेंगी तो फिर आरक्षण कहाँ रह जाएगा। तो संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आरक्षण खत्म होने की कवायद शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में क्या रिजर्वेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? आरक्षण का फायदा उन लोगों को नहीं मिल पाएगा जो लोग इस वक्त सरकारी कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है।
लेकिन सच यही है कि अगर निजी हाथों में ये सब चीजें चली जाएंगी तो फिर इस आरक्षण का क्या होगा। मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक लगभग 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बेच दी है। 2014 के बाद से आई भर्तियों का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण को सबसे बड़ा झटका लगेगा। इस पर कई जानी मानी हस्तियों ने गहरी चिंता जताई है। उन लोगों की चिंताएं इस वक्त वाजिब हैं जो ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में आरक्षण का लाभ उठाने वाले लोगों को निराश होना पड़ेगा। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखें तो 2003 में केंद्र सरकार के SC कर्मचारी 5,40,000 थे, जो 2012 तक घटकर 16% हो गए, यानी 4,55,000 हो गए। जबकि साल 1992 में OBC आरक्षण की शुरुआत हुई, तब 2004 तक केंद्र की सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी 16.6% थी। 2014 आते आते 28.5% हो गई। देश में OBC जनसंख्या करीब 41% है। आरक्षण के चलते सरकारी नौकरियों में वो बराबरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद इसकी भी गारंटी नहीं रह जाएगी। सोचने वाली बात होगी कि आरक्षण का आखिर आगे क्या होगा, लेकिन एक और बात यह है कि सरकार जिस तरह से सरकारी कंपनियों को और बाकी चीज़ों को निजी हाथों में सौंपती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा और जो चिंताएं लोगों की थी वो चिंता वाजिब और सही नज़र आएगी। तो क्या जिस तरह से लोग चिंतित हैं एक एक चीज़ को लेकर कि मीडिया पर नकेल कसी जा रही है, मीडिया सरकार के पूरी तरीके से काबू में हो जाएगा, चुनाव आयोग में जिस तरह से सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है वो करती रहेगी, देश के लोगों को ये सोचना होगा कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकारी कंपनियां बेचने की सरकार की योजना है उससे आम लोगों का फायदा होना है, देश का भला होना है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कुछ खास लोग। और सच तो यह है कि जिस तरह से 2-4-10 लोग ही ऐसे हैं जो बाकी सारी चीज़ों पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं, इससे देश का भला होगा या नहीं होगा, क्या आरक्षण इस देश के युवाओं के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, वो लोग जो पिछड़ गए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए लाभकारी साबित हुआ या नहीं, आगे आपको विस्तार से आरक्षण से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी और बड़ी बातों से अवगत कराएंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।